कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रार्थनाओं को सुनते हैं। इस वक्त आपने हमें ये मौका दिया हम आपकी हजूरी में बैठ सकें, हम प्रार्थना कर सकें, वचनों में से सीख सकें। महान परमेश्वर, होने दे कि आपका पवित्र आत्मा आज इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक के साथ बोले और बातचीत करे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चोरी ना कर सके। आप हम सबकी मदद करना, सहायता करना, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। आज हम बात करेंगे परमेश्वर के कलाम में से कि हम में से हर एक जन इस बात को चाहता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने। हम में से हर एक इस बात को चाहता है कि परमेश्वर हमें हर उस चीज़ से अलग रखे, बचा के रखे जो हमें नुकसान में लेके जाती है। मेरे प्रियो, हम सब ये विश करते हैं कि परमेश्वर हमसे बात करे, हम सब ये विश करते हैं कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। मैं आपको आज परमेश्वर के कलाम में से बताऊंगा कि अगर आप अब तक विश कर रहे हैं और ऐसा नहीं हुआ तो क्यों ऐसा नहीं हुआ और कैसे ये पॉसिबल है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने, ये कैसे पॉसिबल है परमेश्वर आपसे बात करे। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं कि कहाँ पर हम बात करते हैं, किससे हम बात करते हैं, किससे हम कन्वर्सेशन करते हैं। एक कन्वर्सेशन होती है जो हम किसी अनजान व्यक्ति से करते हैं, जिसको शायद रास्ते में पास होते हुए हम उसको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बोल देते हैं, पर उसके बाद हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। पर एक कन्वर्सेशन होती है उससे जो हमारे घर में रहता है, जो हमारे सर्कल में रहता है, जो हमारे भाई या बहन हैं, जो कन्वर्सेशन उनके साथ हमारी होती है, उस कन्वर्सेशन में हम उनसे ये बोल सकते हैं कि मुझे ये चाहिए और वो हमसे बोल सकते हैं कि मेरे लिए ये करो। क्यों ऐसा करते हैं हम, इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है परमेश्वर की ओर से दिया गया प्रेम, जो प्यार परमेश्वर ने हमारे दिलों में डाला, उस प्यार के चलते जो रिलेशन, जो रिश्ते हमें दिए, उन रिश्तों में
जिनमें प्रेम होता है। हम एक दूसरे से बात भी करते हैं, एक दूसरे की बात सुनते भी हैं, एक दूसरे को हम टेक केयर भी करते हैं। हालेलुया। अब यही सेम चीज़ परमेश्वर के साथ भी अप्लाई होती है, जिसने आपको बनाया, जिसने आपको बुद्धि दी, विजडम दिया, जिसने आपको ये समझ दी कि अगर आपको किसी से कुछ मांगना है या देना है या रिलेशन में रहना है तो आपको उसके साथ प्रेम में चलना पड़ेगा। वो भी ये चाहते हैं कि हम उनके साथ भी प्रेम से चलें। अब एक प्रेम तो ये है कि मुंह से बोल देना कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हाँ मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर एक प्रेम या रिस्पेक्ट वो जो एक्शन के थ्रू हो, वो प्रेम जो हमारी बातों में, हमारे एक्शंस में नजर आए। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सब बोलते हैं कि हम परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, पर आज मैं आपको बाइबल में से बताऊंगा कि अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो क्या आप वो करते हैं जो परमेश्वर एक्सेप्ट करता है, जो एक्सपेक्ट करता है आपसे। हालेलुया। हम लोग देखेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 14वां यानी 14 चैप्टर और उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा, वे तुम्हें एक सहायक देगा, वे सर्वदा तुम्हारा साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वे ना उसे देखता है ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वर्ड्स यीशु मसीह ने क्रूसिफिकेशन से पहले कहे। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। अब आज्ञाओं के बारे में जब हम सुनते हैं, जब हम पढ़ते हैं, हमारे माइंड में सबसे पहली बात आती है कि 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी, शायद उन आज्ञाओं की बात यीशु मसीह कर रहे हैं, या जो यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दी 613 आज्ञाएं, शायद परमेश्वर उनकी बात कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 613 आज्ञाओं को मानना इंसान के बस की बात नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुमने 612 को भी मान लिया, एक को भी छोड़ दिया, तो व्यवस्था के अधीन, लॉ के अधीन हम लोग उसमें पूरे नहीं उतरते। और जो 10 आज्ञाओं की बात की गई, उसको यीशु मसीह ने एक तरह से एक एग्जांपल सेट किया कि ऐसी तुम्हारी लाइफ होनी चाहिए। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति जो कि बहुत अमीर था, जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसने यीशु मसीह से बात की, उसने कहा कि मुझे बता मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को मान। उसने कहा, इनको तो मैं बचपन से मानता आया हूं। यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना सब कुछ बेच के गरीबों को दान कर दे। उसने कहा, ये बहुत मुश्किल है, और वो पीछे चला गया। उसने अपनी बड़ी बुलाहट को इनकार कर दिया। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, जैसे उस व्यक्ति ने उन 10 आज्ञाओं को पूरी तरह से फॉलो किया, उसने एक को भी नहीं छोड़ा, इसीलिए उसने यीशु मसीह को कहा, मैं 10 आज्ञाओं को पूरी तरह से मानता आया हूँ। इसका मतलब वो ये बोल रहा था कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। पर यीशु मसीह ने उससे कहा, अपना सब कुछ बेच के गरीबों को दे दे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप भी सब कुछ बेच के गरीबों को दे दो, क्योंकि ये उसके लिए परमेश्वर की योजना थी, जिसको उसने डिनाई कर दिया। हालेलुया। अब आपके लिए परमेश्वर की योजना अलग हो सकती है। आज्ञाओं को मानना सिर्फ वो 10 आज्ञाओं की बात नहीं। उसने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। क्या है वो आज्ञाएं, क्या वो आज्ञाएं हैं जिनको हम माने, ताकि हम ये साबित कर सकें कि परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जहां पे प्रेम होगा वहां पे बात होगी, वो आंसर भी करेगा। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब कौन सी वो आज्ञा है जो स्पेसिफिकली आपको परमेश्वर ने कही, कौन सी वो आज्ञा है, कौन सी वो बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने आपको कही मानने के लिए। मेरे प्रियो, वो हो सकता है उन 10 आज्ञाओं से अलग हो, वो हो सकता है वो उन 613 आज्ञाओं से अलग हो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्या वो आज्ञा है जो परमेश्वर ने आपको दी, वो आप बेहतर जानते हैं। आप जानते हैं कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने, क्या परमेश्वर ने आपको बोला कि तुझे ये करना है। आप उसे अब तक फॉलो नहीं कर रहे, अब तक नहीं मान रहे, और आप क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर हम तुमसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर हम आपसे प्रेम करते हैं। मेरे प्रियो, एक प्रेम होता है मुंह से बोलना, किसी को भी बोल देना कि हाँ हम आपसे प्रेम करते हैं, पर एक प्रेम वो जो आप अपने बच्चों से करते हैं, अपने पेरेंट्स से करते हैं, अपने प्रियजनों से करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ना करे अगर आपके किसी प्रियजन के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए जिससे आप प्रेम करते हैं, आप वेट नहीं करेंगे कि कोई मुझे इनवाइट करे, कोई मुझे कॉल करे, आप झट से पहुंच जाएंगे, अपना दी बेस्ट देंगे, हेल्प करेंगे, यही आप एक्सपेक्ट भी करेंगे जिससे आप प्रेम करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी तरह से यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसका मतलब यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। कैसे पता चलता है यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं? यूहन्ना 3:16 में लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अब परमेश्वर ने मुंह से सिर्फ बोला नहीं कि हाँ मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, परमेश्वर ने हम लोगों को जब पाप में थे हमको देखा, और परमेश्वर ने उस पाप को डिस्कनेक्ट करने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा, उसके ऊपर सारे जगत का भार पाप डाल दिया, उसको क्रूस की मौत दी, उसके जी उठने के बाद उस पे फेथ करने के द्वारा हम उन पापों से छूट गए। ये है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। अब यीशु मसीह आपसे कौन सी आज्ञा की बात कर रहे हैं, हम लोग देखेंगे एक और अध्याय को जो हमें मिलता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय। अब इस 4 अध्याय में बताया गया, जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करनी थी उससे पहले शैतान के द्वारा बहुत सी बातों में यीशु मसीह के साथ वाद विवाद किया गया, यीशु मसीह ने उसको आंसर किया बाइबल में से, वचन में से, शैतान वहां से भाग गया। जैसे ही उस परीक्षा में से जब यीशु मसीह निकले तो उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की। जैसे ही यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, सेवकाई मीन्स लोगों को बचाने का काम शुरू किया, लोगों तक वचन को प्रचार करने का काम शुरू किया, सबसे पहली बात यीशु मसीह ने क्या बोली, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसकी 17 वर्स, यहाँ पे लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया। ये शुरुआत की यीशु मसीह ने इन वर्ड से, अपने माइंड में आप इस बात को रखना कि यीशु मसीह ने सेवकाई की शुरुआत जब की तो किन वर्ड से की, और जब वो आसमान पे उठाए गए तो किन वर्ड से उन्होंने इस चीज को खत्म किया। लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। रिपेंट फ्रॉम योर सिंस, मन फिराओ, ये परमेश्वर की आज्ञा है आपके लिए, आपको मन फिराना है। अब मन फिराने का मतलब पापों से मन फिराना तो है ही है, पापों को मना करना है अपनी लाइफ से, इनकार करना है उनके लिए। आप व्यभिचार करने वाले हैं, इनकार करना है आज के बाद। आप नशा करते हैं, इनकार करना है आज के बाद। आप चोरी करते हैं, आप बैक बाइटिंग करते हैं, आप किसी भी तरह से किसी गंदे पाप में हैं, किसी भी पाप में हैं, आपको मन फिराना है। इस बात को दिमाग में रखना है कि अगर मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं तो मुझे इन चीजों से मन फिराना है। जब आप ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देंगे उनमें से निकलने के लिए, और जब आप उनमें से निकल आएंगे परमेश्वर आपकी प्रेयर को आंसर करेगा, डेफिनेटली वो प्रेयर को आंसर करेगा। उसने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंट फ्रॉम योर सिंस बिकॉज द किंगडम ऑफ लॉर्ड इज नियर। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आज्ञा है परमेश्वर की आपको, ये आज्ञा है मुझे, मन फिराने की जरूरत है, रिपेंट करने की जरूरत है। अब अगर आप बीमार हैं, आपको डॉक्टर्स ने बोल दिया, रिपोर्ट्स ने बोल दिया आप कभी चंगे नहीं हो सकते,
आपने उसके ऊपर फेथ कर लिया, ये परमेश्वर की योजना नहीं है। मैं अक्सर कहता हूँ डॉक्टर्स परमेश्वर की ओर से ठहराए गए हैं, ये बाइबल कहती है। डॉक्टर्स परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराए हैं, पर डॉक्टर से ऊपर भी एक डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो है यीशु मसीह। यीशु मसीह से ऊपर कोई नहीं। अब अगर आप निराश हो चुके हैं अपनी लाइफ की स्ट्रगल से, आपको दुनिया की तरह नहीं सोचना कि मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया। लोग सोचते होंगे, पर बाइबल कहती है मन फिराओ, मीन्स उस मन से जो आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं उनसे रिपेंट करो। और बाइबल क्या कहती है आपकी बीमारी के लिए? बाइबल कहती है उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, उसके लहू बहाने से हम छूट चुके हैं। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं। बाइबल कहती है परमेश्वर तुमसे इतना प्रेम करता है, वो तुम्हें ना तो छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये परमेश्वर का प्रॉमिस है। पर उससे पहले परमेश्वर ने कहा मन फिराओ। हालेलुया। जब आप मन फिराएंगे, जब अपनी सोच को चेंज करेंगे, थिंकिंग को चेंज करेंगे, जब आप बाइबल को अपना आधार बनाएंगे, जब आप मन फिराएंगे, वो आपकी प्रेयर को आंसर करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती सेवकाई की शुरुआत ही यीशु मसीह ने इस तरह से की। उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मन फिराएंगे, रिपेंट करेंगे, प्रेयर आंसर होगी। आप फील करेंगे कि परमेश्वर ने आपकी प्रेयर का आंसर किया। आप निराश हैं, आप बीमारी में हैं, आप ट्रबल में हैं, डोंट वरी, अपनी सोच को चेंज करो, मन फिराओ। यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब आप यीशु मसीह की बात को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आप ये बोल रहे हैं कि लॉर्ड आई लव यू। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद सबके लिए मैं दुआ करूंगा। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं कि प्रार्थना का आंसर लेने के लिए क्या कुंजी है, क्या की है। मैंने आपको पढ़ाया यीशु मसीह ने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। उसने कहा अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। बाइबल कहती उसकी आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है, आपको सिर्फ अपना फोकस चेंज करना है। अगर आपका फोकस ये है मैं कभी चंगा नहीं हो सकता, मैं कभी चंगी नहीं हो सकती, मेरा घराना कभी बचाया नहीं जाएगा, आपका फोकस ये कहता है कि ये नशा मुझसे कभी नहीं छूटेगा, आपका फोकस ये कहता है मेरा फाइनेंस कभी नहीं सुधरेगा, मैं कभी अपने घर में नहीं जा पाऊंगा, मैं कभी अपनी लाइफ को इंजॉय नहीं कर पाऊंगा, मैं कभी बचाया नहीं जाऊंगा, आपको सिर्फ मन फिराना है, अपनी सोच को चेंज करना है, रिपेंट करना है, यीशु मसीह को बताना है कि परमेश्वर मेरा फोकस इन बातों के ऊपर नहीं पर आपके वचन के ऊपर है। वचन कहता है धर्मी का वंश
बचाया जाएगा। धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। मेरे प्रियो, जब आप इन वर्सेस को, बाइबल को मेडिटेट करेंगे, आप मुंह से जब ये बात बोल रहे हैं, हालात कुछ भी हों, जब आप मुंह से डिक्लेयर कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वचन कहता है धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। उद्धार मीन्स सालवेशन, छुटकारा। जब आप छूटना चाहते हैं बीमारी से, छूटना चाहते हैं गरीबी से, छूटना चाहते हैं नशे से, अकेलेपन से, छूटना चाहते हैं बुरी आदतों से, आपको मन फिराना है, सोच को चेंज करना है। मत सोचो ये कभी नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं अभी आपके लिए दुआ करूंगा, आप इन प्रॉब्लम से फ्री होंगे, आप इन ट्रबल से फ्री होंगे, आप उस डिप्रेशन से फ्री होंगे, आप उस लोनलीनेस से फ्री होंगे। हर वो चीज़ जो आपको डिप्रेस करती है, आप फ्री होंगे उससे आज अभी। पर उसके बाद आपको मेक श्योर करना है कि आप यीशु मसीह से प्रेम करने वाले हों। बाइबल कहती है, अगर तू मुझसे प्रेम करता है तू मेरी आज्ञाओं को मानेगा। अगर आपके सामने कुछ ऐसा है जो आपको टेम्प्ट करता है, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और आपको लगता है कि परमेश्वर मुझे इसमें से छुड़ा, परमेश्वर कुछ नहीं करेगा। आपको खुद डिसीजन बनाना है, आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं पॉर्न नहीं देखूंगा, आज के बाद मैं चोरी नहीं करूंगा, आज के बाद मैं इन गंदगी में नहीं जाऊंगा। जब आप ऐसा करेंगे, आप मन फिरा रहे हैं, आप अपने माइंड को चेंज कर रहे हैं। जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपको स्ट्रेंथ देगा, परमेश्वर आपको निकाल लेगा उन चीज़ों में से जिसमें से आप खुद नहीं निकल सकते। मैंने आपको बताया, जब यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, उन्होंने कहा मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और जब यीशु मसीह बादलों पे उठाए जा रहे थे, यीशु मसीह ने क्या कहा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसने शुरू में कही और जो उसने अंत में कही, इसको याद रखना। हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसकी 18 आयत से लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहे, हम चाहते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुने, पर जो उसने बोला हम उसको फॉलो नहीं करना चाहते। उसने कहा, और उन्हें सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी माननी सिखाओ। अगर आप खुद मानते होंगे तभी आप माननी सिखाएंगे, अगर आप खुद नहीं मानते आप मानना नहीं सिखा सकते। इसलिए बाइबल कहती है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। बाइबल कहती है, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। हर वक्त नेगेटिव सोचते रहना, ये आपके प्रेम को नहीं दिखाता, ये आपके प्रेम को नहीं दिखाता। अगर आप उससे प्रेम करते हैं आप पॉजिटिव देखेंगे। बाइबल कहती है, हर एक बात उनके लिए मिलके भलाई को लेके आएगी जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। Do you love the Lord? Do you love Jesus? क्या आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। कैसा प्रेम करते हैं? मुंह से बोलने वाला या एक्चुअली में प्रेम करते हैं? अगर आप एक्चुअली में प्रेम करते हैं आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। कौन सी आज्ञाएं? अगर आप नशा करने वाले हैं आज के बाद आप नशा नहीं करेंगे। अगर आप चोरी करने वाले हैं आप आज के बाद चोरी नहीं करेंगे। अगर आप व्यभिचार में फंसे हुए हैं आज के बाद आप व्यभिचार नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी गंदगी में हैं आज के बाद आप उसमें दोबारा नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि यही वो तरीका है परमेश्वर को दिखाने का कि हाँ परमेश्वर मैं आपसे प्रेम करता हूँ। और मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ऐसा करेंगे वो स्वर्ग खोल देगा, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। आपने सोचा नहीं, बाइबल कहती वो बातें तेरे दिल में नहीं आई, तेरे चित्त में नहीं उतरी, वो अपने प्रेम करने वालों के लिए ऐसी बातों को रख के बैठा है। आप सोच भी नहीं सकते जो उसने आपके लिए रखा है। आप भूल जाओगे जिस सिचुएशन में आज आप हैं। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर प्रेम करेगा वो आपको फेवर देगा। बाइबल कहती है, तुम मनुष्य और परमेश्वर दोनों का फेवर पाओगे। ये फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आने पाएगा आज से। हालेलुया। जब भी डेवल आपके ऊपर अटैक करे उन पुरानी चीज़ों में वापस जाने के लिए, पुरानी सोचों में वापस जाने के लिए, उस डिप्रेशन में वापस जाने के लिए, एंजाइटी में वापस जाने के लिए, बाइबल कहती मन फिराओ। मुंह से बोल के डांटो उस डिप्रेशन को, मुंह से बोलो
यीशु मसीह तूने मुझे स्वतंत्र किया है और मैं हमेशा के लिए स्वतंत्र हूँ। जब आप मुंह से डिक्लेयर करेंगे आप गवाही के साथ खड़े होंगे। हालेलुया, मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए अपनी आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। मैं आप सबके लिए दुआ करूँगा, अपने सर के ऊपर अपने हाथ को रखो और हम दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप दया करने वाले हैं महान परमेश्वर जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त जितने लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, ये इनका हाथ इनके सर के ऊपर नहीं, ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट हो परमेश्वर। आप इनको छुएं, डिप्रेशन का आत्मा चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, एंजाइटी का आत्मा चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अस्थमा के अटैक चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, अडल्ट्री के सारे अटैक चले जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावंद हर वो सुसाइडल स्पिरिट चला जाए इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। तेरे लोग खुदावंद मन फिराएं, तेरे लोग अपने प्यार को दिखाएं, ताकि खुदावंद तू उन्हें मोर देन ब्लेस कर सके। हर अंधकार की शक्ति को मैं इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, हर एक गंदे ख्याल को इनकी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, तेरे लोग मोर देन ब्लेस हों और गवाही के साथ खड़े हों। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर बीमारी को डांटता हूँ, हर एक बीमारी को मैं ख़त्म करता हूँ, हर विचक्राफ्ट को ख़त्म करता हूँ, तेरे लोगों को आज़ाद करता हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है अगर पुत्र तुम्हें आज़ाद करे तुम सदा के लिए आज़ाद हो। तेरे लोग गवाही के साथ खड़े हों, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, तो मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। अगर आप परमेश्वर के भवन में आके मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं, मेरे प्रियो हरिद्वार दोपहर 1 बजे हम परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, कोई आपकी गवाही है, आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबरों के ऊपर हमें कॉल करें, हम मिलकर आपके लिए दुआ करेंगे और आपकी ज़िंदगी सेम ना होगी। हम फिर मिलेंगे प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। गॉड ब्लेस यू ऑल। तुझको बुला रहा है नासरी, धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।